व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मैं जस्ट अभी मीटिंग पॉइंट पहुंचा ही हूँ एंड आई थिंक वीपी और नचिकेत सर पहुंच चुके होंगे ऑलरेडी। अच्छा, वीपी अकेला है? क्या हुआ, धोखा मिला? कहाँ है नचिकेत सर? तो रेस्ट कर रहे हो। ज़्यादा लेट हो गया क्या? मैं 4:35 ही तो हो रहा है, 4:30 की टाइमिंग थी। हाँ, मैं जल्दी निकल गया, मुझे लगा वहाँ से टाइम लगेगा। हाँ वही मैं देख रहा था, मैं जब गया ना स्टार्ट करने तो मैंने देखा तेरी लोकेशन, तू पहुँचने ही वाला था। मैंने कहा जल्दी निकल गया। चले फिर चले। चलो दोस्तों, आज फिर से चल रहे हैं एक नई राइड पे। चलो तो जी राइड करते हैं स्टार्ट। यहाँ से 80 किलोमीटर्स दूर अपनी लोकेशन, और जो लोकेशन हमने चूज़ करी थी, मैं मॉर्निंग में उठकर एक बार उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो पता चलता है भाई उसमें अराउंड 1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। तो भाई 1.5 घंटे की ट्रैकिंग तो हमसे नहीं हो पाती, तो हमने सुबह सुबह ही एक दूसरी लोकेशन डिसाइड करी है। जितना मैंने देखा व्यू तो बहुत प्यारा था और सनराइज़ वगैरह वो तो और मज़ा आएगा, बट सनराइज़ क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। भाई ये रोड ना थोड़ी ख़राब रहती यार, इसमें स्पीड ब्रेकर्स आएंगे काफ़ी। एक और स्पीड ब्रेकर आते हुए दिक्कत ये है ना, ये स्पीड ब्रेकर या तो बहुत बड़े हैं या फिर बहुत सारे हैं। हेलमेट की पैडिंग अभी भी बहुत टाइट है। ये आई थिंक सेकंड राइड है इस हेलमेट के साथ, तो टाइम लगेगा आई थिंक, 3-4 राइड और करनी पड़ेंगी। तमिलनाडु लिमिट्स, ये क्या हो गया? शादी। सो हेयर वी ऑफिशियली एंटर तमिलनाडु, और यहाँ से 61 किलोमीटर्स। कुछ आवाज़ सी आ रही यार बाइक से। कुछ तो आवाज़ आ रही है बाइक से, आई डोंट नो क्या आ रही है, और बहुत लाउड हो गई है। एक बार वीपी को बोलता हूँ सुनने को। कुछ साउंड आ रही तुझे? कुछ बहुत तेज आ रही यार। एक बार अपनी बाइक का इंजन ऑफ कर, न्यूट्रल में चला। कुछ तो बहुत, कुछ तो फंस रहा है ऐसा लग रहा है। प्रॉपर आवाज आ रही है, कुछ तो रोटेट हो रहा है उसकी। वो इंजन से आ रही है या टायर से आ रही है पता नहीं। मतलब इंजन से आवाज नहीं, इंजन जब मैंने ऑफ करा तब नहीं आई, लेकिन चलती बाइक में आ रही है तो इंजन से रिलेटेड होगा। और ये ना लास्ट राइड में भी आई थी, लेकिन घर में मैंने नहीं नोटिस करी है। मैं ना वहाँ से लेकर आता हूँ, यहाँ पे आके ऑफ करूँगा तो सुनना एक बार, खड़े रहना। मुझे लग रहा है ये इंजन से ही आ रही है। कुछ तो अड़ रहा है ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर मैं तेरी बाइक चला के देखूँ। कुछ ये कीचड़ वगैरह उसकी तो नहीं है शायद यार, चेन की तो नहीं है, तो फिर कुछ अड़ भी रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेज है जो भी पार्ट मूव हो रहा है उसमें। ट्राई करें एक बार, पता नहीं क्या इशू है यार। ज़्यादा आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा आ रही ना चेन, पता नहीं यार। एक तो उस दिन ऑफ रोडिंग करी ना, कीचड़ वगैरह तो गया था, उसके बाद क्लीन नहीं करवाया मैंने। एक बार पूरा क्लच दबा के चेक कर, ये देख आई ना, है ना, पूरा क्लच दबाओ तो आ रही है वो वाली, कुछ फंस रहा है ऐसा। क्या सीखना है ये, जो भी है ऐसे ही सीखने को मिलेगा। क्या लगता है? ठीक है, और जब पूरा क्लच दबा रहे हैं तब आवाज़ आ रही है। एक बार मतलब ल्यूप वगैरह तो डाल ही देंगे चेन में, फिर शोरूम में ही दिखाऊंगा जो भी होगा। इंटरसेप्टर की फील तो भाई बहुत अलग है यार, सीटिंग पोजीशन और फुटबैक की पोजीशन बहुत कंफर्टेबल भाई। आगे चेन से रिलेटेड हो तो अच्छा ही यार, ल्यूप वगैरह क्लीन करेंगे तो सही हो जाएगा। वीपी को आगे बोलता हूँ एक बार जाने को। हाय हाय, हंटर लगती है तो प्यारी है भाई मेरी पीछे से।
एग्जॉस्ट का साउंड भी प्यारा आ रहा है काफ़ी, बस यह है कि थोड़ा वीपीएस चला रहा है तो छोटी लग रही है बाकी इतनी छोटी भी नहीं है। अभी थोड़ा पुल करा मैंने इसे, अलग लेवल की पावर है यार, मतलब इतना हल्का फील होता है ना, समझ रहे हो आप। ये हंटर से बहुत भारी है, तो भारी का मतलब यहाँ पे वेट से नहीं है, भारी का मतलब है कि जो उसके क्लच वगैरह इतने टाइट हैं, जो उसको पुल करने में इतना टाइम लगता है, उससे फ़र्क आता है। आई थिंक हंटर का 180 केजीज वेट है और इसका 210-220 केजीज है, लगभग 30-40 केजीज का डिफरेंस है। फिर भी ये बाइक को जब पुल करते हैं ना, ऐसा लगता है कि भाई कितनी लाइट बाइक है, क्योंकि इंजन भाई इंजन और प्लस क्लच वगैरह भी बहुत स्मूथ है यार। फिर यहाँ से आगे पता नहीं चाय पीने को मिलेगा या नहीं, भाई सर ऊपर करने का ज़रूर मिलेगा आज भी लगे हैं बादल, इधर पे चाय की दुकान तो नहीं है पर। अच्छा है ना, यहीं रुके क्या, यहीं रुके, आगे डाउट है मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या इशू लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रही भाई, ऐसा ना हो कि कुछ एकदम से टूट गया ब्रेकडाउन हो गया बाइक का। सो गाइस चाय वगैरह तो नहीं पी पाए, लेकिन विष्णु पे स्नैक्स वगैरह पड़े थे तो वो हमने खा लिए हैं, और 31 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। ओ भाई ठीक है व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा है, हेलमेट का लॉक लगा लूंगा। ओ भाई भाई फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर रहे हैं क्या हम, मैप में तो दिखा रहा पूरा ग्रीन है। एरिया तो प्यारा है यार काफ़ी, बस थोड़ा रोड भी प्यारी होती तो मज़ा आता। ओहो प्यारी रोड भाई, भाई इधर कहीं मेरी बाइक ख़राब ना हो जाए यार, मैं ये सोच रहा हूँ जो ये आवाज़ आ रही बाइक से। भाई साहब एकदम से आ रहे यहाँ पे गाड़ियाँ, बहुत क्लोज भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं लेकिन कुछ कुछ आ रही हैं, एकदम से ही आ रही हैं, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा भाई। सामने इतना ओपन एरिया दिख रहा है, कुछ बढ़िया व्यू दिख जाए, ऐसे कुछ बढ़िया व्यू तो नहीं है। ओहो भाई ये है ना प्यारा सा व्यू, वाह यार भाई कितना प्यारा लग रहा है ऐसा लग रहा है मुन्नार वगैरह आ गए ऑब्वियसली मुन्नार जितना ब्यूटीफुल तो नहीं है, लेकिन भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार। सामने आई थिंक बहुत प्यारा व्यू आने वाला है। ओ भाई भाई साहब भाई इस व्यू के लिए हम इतनी देर से यहाँ पे चढ़ रहे थे ऊपर, भाई व्यू तो बहुत प्यारा है यार। ओ भाई बहुत नीचे है यार, यार 30 किलोमीटर कुछ ज़्यादा ही नहीं लगा इस बार, अभी भी 8.7 किलोमीटर्स बचा है ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। चलो देखते हैं आगे क्या है, व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा है। ओ भाई ऊपर तो पूरा शहर बसा हुआ है। ओ हो भाई साहब इधर तो सभी जगह व्यू प्यारा आ रहा है भाई, मजा आ गया यार भाई साहब। सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है यहाँ से, देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। अभी तक का हमने ऑलरेडी बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ देख लिए, होप करते हैं कि यहाँ पे और भी बेटर व्यू आ रहा हो तो मज़ा आएगा।
ये क्या कर रहा है? ओह माय, कुछ अलग सिस्टम है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। लेफ्ट साइड में व्यू तो प्यारा आ रहा है, देखते हैं आगे चल के सामने कितना प्यारा लग रहा है भाई। काफ़ी सारी हिल्स दिख रही हैं, काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पहुँचने में ऑनेस्टली। ओहो, दिख गया भाई मुझे व्यू भाई साहब, ये था वो व्यू। यही इसी पॉइंट के लिए हम आ रहे थे इतनी दूर से। सो गाइज, एक मेजर अपडेट। अभी मैं जस्ट शोरूम से आ रहा हूँ और मैंने सोचा इसको दिखवा ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी नॉइज़ आ रही थी यहाँ पे। तो यार दिक्कत थी चेन ल्यूब्रिकेशन को लेकर। एक्चुअली मैंने फोर्स सर्विसिंग अभी रिसेंटली करवाई थी तो मुझे डाउट था कि कोई और मेजर इशू होगा, ल्यूब्रिकेशन वगैरह दिमाग में आया ही नहीं क्योंकि रिसेंटली ल्यूब्रिकेशन हुई थी। बट दिक्कत ये है ना, अभी जो हमने लास्ट राइड करी थी उसमें बहुत कीचड़ वगैरह आया था, तो जो भी ल्यूब्रिकेशन है ना चेन वगैरह ड्राई हो जाती। तो ये एक लर्निंग है मेरे लिए भी। मैं चाहता हूँ आप लोग भी जाने कि अगर आप इस मौसम में ऐसे राइड कर रहे हैं जिसमें बहुत कीचड़ है और मड वगैरह क्योंकि ऑब्वियसली रहेगा, तो आप ध्यान रखना कि चेन ल्यूब्रिकेशन आप प्रॉपरली टाइमली करते रहें। तो मैंने आज ये तो सीख लिया भाई, अब मैं जाके करूंगा। जब भी मुझे लगेगा कि चेन ड्राई होगी तो मैं खुद से करने वाला हूँ। उन्हें पता था कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, तो उन्होंने ल्यूब्रिकेशन करके दी। अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही भी, मैं चला के आ रहा हूँ, वो आवाज़ बिल्कुल चली गई है। मोरओवर जो गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत स्मूथ हो गई। तो ल्यूब्रिकेशन भाई बहुत ज़रूरी है, ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो हम खुद कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं, मैं मिलूंगा आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।